सो लॉट्स ऑफ फूड ब्लॉगर बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं कि टेस्ट ऐसा है, क्वांटिटी ऐसी है, इतनी ज्यादा है, वो है ढाबे से ज्यादा है, वही आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, इट्स अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। जो जाफरान ओपन हुआ है एशियन फन वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग जो है हाइप क्रिएट कर दिए हैं कि टेस्ट बहुत जबरदस्त है, क्वांटिटी ऐसी है, इतनी ज्यादा है, वो है ढाबे से ज्यादा है, और वहाँ के ओनर भी बोले हैं। तो आज जाके हम वो टेस्ट करने वाले हैं, जाफरान का टेस्ट कैसा है, क्वांटिटी क्या है, एम्बियंस कैसा है। तो चलिए आज चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जाफरान फूड। जस्ट अभी रीच हुए एशियन फन वर्ल्ड गुलबर्गा में और जाफरान आ गई है। चलो चलते हैं, उसके बाद बात करता हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी अपने को। तो अभी जस्ट जो हमने खाया वो था चिकन 65, जो कि थोड़ा लिक्विड टाइप में है, मतलब पूरा ड्राई नहीं है, और इसका प्राइस जो है 400 रुपीज़। लाइट ग्रेवी होने की वजह से मुझे लगा ये मंचूरी, और टेस्ट में अच्छा है। गुलाबी शी कबाब मंगाए हैं, देखते हैं उसको आने के लिए। अब 5 से 10 मिनट हो गए, अभी तक नहीं है, स्टिल वेटिंग फॉर दी। तो टेस्ट की बात पूरा एंड में कर रहा था, क्योंकि सुकून से खाता हूँ पहले खाना का, तुझे बात नहीं करना बल्कि बोले थे सब्सक्राइबर, पहले सुकून से खाता हूँ, फिर रिव्यू के लिए जो है वेट कीजिए। इधर उन्होंने क्या भी डाल रहे थे, वो डाले थे उधर, फर्स्ट वाले को डाल रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बिरयानी सही में अच्छी, यहाँ का डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, नेगेटिव बात क्या बोल सकते हैं, ये जो ब्लोअर्स हैं, एयर ब्लोअर खाली यहाँ तक ही काम कर रहे हैं, इसके आगे ये टेबल कॉर्नर टेबल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये एक फिक्स कर देना ना बोलते। सो ये जो भी खाए हुए हैं उसके बिल हैं, देखिए 65 जो फर्स्ट में लिए थे उसके 400, और गुलाबी के 360, बटर चिकन, बटर कुल्चा, तंदूरी रोटी, बटर नान, दम बिरयानी और वाटर बॉटल, तो इसका सबका बिल। और एक दो सीटिंग एरिया भी है, दो नहीं तीन चार सीटिंग एरिया है टोटल, यहाँ पे भी है कैफेटेरिया बोल के, ये सॉरी गार्डन या बोल के, और ऊपर भी एक प्लेस है, वो भी आपको बताता हूँ, वो भी देख के चलिए, और फैमिली वेट करी, ज़्यादा वेट नहीं कराना चाह रहा मैं आप लोगों को, तो देखिए। सो ये एक प्लेस है बैठने के लिए, ओपन डाइनिंग, और उसके बाजू में भी है कोर्टयार्ड, और ऊपर भी है ओपन स्पेस में खाने के लिए, ऊपर का भी एक बार आपको दिखा के फिर सीधा एग्जिट लेते हैं। एक बार अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बिरयानी टेस्ट कीजिए, और दूसरी बात हॉस्पिटैलिटी जो सर्विस है वो भी अच्छी है, एक 5-6 मिनट से डिले है। तो यही था वीडियो,
अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना, बेस्ट पार्ट क्या लगा वो जो अगर सो दिस इज अवर सेकेंड डे एट ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट। और ये एक दो तीन चीज़ें दिखाना भूल गया था मैं, कैबिन टाइप सिटिंग भी है वो नहीं दिखाया था, तो फिर से आ गए हम क्योंकि हमारे अब्बा को जो है बिरयानी बहुत पसंद है यहाँ की, तो वो और एक बार फिर से खाने आए हुए हैं, तो उसके साथ ये भी दिखाता चलो आप लोगों को। सो लास्ट टाइम वहाँ पे डिनर करे थे, यहाँ पे एक एरिया है और यहाँ पे एक एरिया है, ये साइड में पूरा जो है फैमिली सेक्शन है, ये पूरे कैबिन्स हैं जो राइट में देख रहे हैं और लेफ्ट साइड भी कैबिन्स हैं, इसका नाम है कोर्ट यार्ड। सो ऐसे नंबर सब इस पर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, तो यहाँ पे फैमिली से सीटिंग के लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट है। लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था मैं, तो फिर से सेकेंड टाइम आया हूँ, तो एम्बियंस की बात करें तो पूरा देसी टाइप वाइब दी गई है, यहाँ पे साइड में पूरा वुडन का वर्क है और बैठने के लिए कंफर्टेबल कुशंस हैं सोफे गुड। तो चलिए जल्दी से जाके जो है बिरयानी टेस्ट करते हैं। तो जस्ट हमने कराची चिकन ट्राई किया जो कि 400 रुपीस को हाफ है, टेस्ट एक्सीलेंट है, गुड है, आप एक बार ट्राई कीजिए, एकदम स्पाइसी बना था। लास्ट जो बटर चिकन है उससे अच्छा है इसका टेस्ट, तो आप एक बार ट्राई करिए, बहुत मज़ा आया खा के, टेस्ट अच्छा है। बट और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि रेट के हिसाब से क्वान्टिटी वाइज थोड़ा कम है, वो एक थोड़ा लगा मेरे को, वो एक अगर सही हो जाएगा अगर क्वान्टिटी ज़्यादा मिलेगी तो ये भी बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुलबर्गा या अक्रॉस गुलबर्गा बनेगा। तो बात करें हाइप की, तो दी हाइप इज़ रियल, टेस्टी है फूड। सो एक्चुअल में रिव्यू कल देना सोचा था बट आवाज़ों की वजह से रिव्यू सही से दे नहीं पाया फूड के बारे में। तो फूड क्वालिटी की बात करते हैं फर्स्ट, तो फूड क्वालिटी अच्छी है और दूसरी बात फूड क्वान्टिटी थोड़ी एवरेज है, कम ही है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग ढाबा या फिर रेस्टोरेंट्स। और तीसरी बात टेस्ट, तो टेस्ट दो तीन आइटम मुझे यूनिक लगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो बटर चिकन था वो ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, और बिरयानी जो चिकन बिरयानी ट्राई की है दम की वो भी अच्छी है, बहुत अच्छी बनाया उन्होंने। तो और तीसरी बात जो है एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। तो फोर्थ बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस देखिए मेंटेनेंस के हिसाब से और हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से सर्विस के हिसाब से प्राइस लिटिल बिट ज़्यादा है। और मेरी यूटी फैमिली को और एक चीज़ बोलना चाह रहा था मैं, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबके साथ बताइए, सबको पता चलना चाहिए कि सेठ ब्लॉग्स गुलबर्गा एक ब्लॉगर गुलबर्गे में भी है। ओके, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, जहाँ फर्स्ट कहीं पे भी जाता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कौन सी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो यही बोलना था आप लोगों को, सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ये होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, ऐसे ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस। Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden, I will find a light in your soul.